और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी रायबरेली की बेटी है, हमारी बहन है और आने वाले समय में वो संसद में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। रायबरेली नेहरू गांधी खानदान की धरती नहीं है, रायबरेली बीरा पासी, मलिक मोहम्मद जायसी, पंडित अमोल शर्मा और राणा बेनी माधो की धरती है। ये रायबरेली की जनता पहचान चुकी है, अब गुमराहों में आने वाली नहीं। चलाया हुआ नोट जो ये नहीं 10 साल चला पाए तो अब ये कहते हैं कि विदेशों में हमने टंका बजा दिया। अरे घंटा बज रहा है, घंटा कोई पूछने वाला नहीं है। सोनिया गांधी यहाँ आती हैं, नामांकन करती हैं और उसके बाद प्रमाण पत्र लेने भी नहीं आती। और मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे 5 साल का कार्यकाल चला जाता है, वो एक बार भी जनता के बीच में नहीं आई। सत्य बोल रहा हूँ, रायबरेली में कमल ही खिलेगा, कोई जुमला नहीं चलेगा। जैसे कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करके पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, उसकी स्थिति आप लोग समझ रहे हैं। हम लोग रायबरेली में हैं और रायबरेली का नाम आते ही सबसे पहले सोनिया गांधी का नाम सबके सब लोगों के जहन में आता है। सोनिया गांधी यहां की सांसद थी 2004 से, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा में चली गई हैं। कांग्रेस से कौन रायबरेली से लड़ेगा यह भी तय नहीं है और गठबंधन से यहां पर चुनाव होना है। बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर तय नहीं किया है। तो मैं भवानीगढ़ चौराहे पर मौजूद हूँ शिवगढ़ के। रायबरेली का सबसे अगर अंतिम छोर देखा जाए, बाराबंकी जनपद कुछ ही दूर से शुरू हो जाता है लोकसभा क्षेत्र, तो यहां पर हमारे साथ गठबंधन से भी सपा कांग्रेस के लोग हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं और यहां पर मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से। तो सबसे पहले कांग्रेस की सत्ता शासन है यहां पर, कैसे कांग्रेस यहां पर अपने इस गढ़ को बचा पाएगी, यह सीधा सवाल मेरा रहेगा। सोनिया गांधी जी चली गई, उसके बाद अभी ने कांग्रेस तो यहां पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी का जो ये माहौल चला है, कैसे यहां अपने गढ़ को बचाने में आप कामयाब होंगे? आपके सम्मानित दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपकी बात में थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। सोनिया गांधी गई कहीं नहीं है, उनका स्वास्थ्य खराब है और इसके नहीं, रायबरेली से बात कही है जाने की। उनका आशीर्वाद रायबरेली के प्रत्येक व्यक्ति को अनवरत पूर्व से प्राप्त होता रहा है, भविष्य में प्राप्त होता रहेगा, ऐसी हम लोगों की कामना है। अब आते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। इस परिप्रेक्ष्य में ये निश्चित मानिए, गांधी परिवार का सदस्य हमारा प्रत्याशी ही नहीं वरन आगामी सांसद होगा और निश्चित रूप से प्रियंका जी हम लोगों के बीच में आएंगी। प्रियंका जी अगली सांसद है, क्या लग रहा है बीजेपी टक्कर दे पाएगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, जब 2014 का चुनाव हुआ था तो सोनिया गांधी 5.5 लाख वोटों से चुनाव जीती थी और जब 2019 का चुनाव होता है तो आंकड़ा 1,67,000 पे आ जाता है। उनको कहीं ना कहीं इस बात का भय था कि अब की बार रायबरेली ने मन बना लिया है यहाँ पर कमल खिलाने के लिए, इसलिए वो डर के मारे रायबरेली को छोड़ करके राज्यसभा जाने का उन्होंने राजस्थान जाने का निर्णय लिया। गांधी परिवार का जहाँ तक देखा जाए रायबरेली से जो नाता है श्रीमान जी, वो आज का नहीं है, फिरोज गांधी और उसके बाद में इंदिरा जी और फिर सोनिया जी ने लगातार यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है पार्लियामेंट में और भविष्य में भी गांधी परिवार का व्यक्ति ही यहां से सांसद होगा। इस बात को मैं यहां उपस्थित आवाम के समक्ष, आपके सम्मानित चैनल के समक्ष कहता हूं और इस बात को आप तय मानिए। क्या लग रहा है आपको दादा, रायबरेली में आने वाले चुनाव में हमारा प्रत्याशी एक कमल ऐसा खिलाएगा जो 400 सीटों में संसद एक सांसद चुनाकर राज्यसभा में भेजने का काम करेगी। चलिए बताइए दादा, सवाल आपसे पूछते हैं, 400 पार ये तमाम चर्चाएं मैं सुन रहा हूँ। पिछली बार मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदार, इस बार मोदी जी ने कहा कि हमारा परिवार, कि 400 पार जब अपने हाथ ही हमको सब पूरे अपनी घोषणा कर देनी कि हमको 400 सीटें मिलेंगी, हम कहते हैं 543 मिलेंगी तो ये कहने से नहीं, आप विकास किया ना मैंने, नहीं आप घूम रहे हैं, आपको विकास दिख रहा होगा ना, आप भी सम्मानित पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे कि क्या स्थितियां देश में चल रही हैं, तो ये तो वक्त बताएगा कि 400 पार या 543 या ये तो जनता फैसला देगी आने वाले चुनाव में। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये पूरी तरह से अगर डरी सहमी ना होती तो अभी विधानसभा के चुनाव में ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो कहते नहीं साथ साथ मिल करके मोदी को हो रहा है। निश्चित तौर पर ये इनका भय इनकी व्याकुलता खुद दर्शाती है। और रही दूसरी बात, अगर रायबरेली की मैं बात करूँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के मित्रों से कि आज तक आज़ादी के बाद से आज तक रायबरेली में क्या कांग्रेस में कोई
रायबरेली में ऐसा नहीं हुआ जिसको रायबरेली से चुनाव लड़ाया जाता, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूँ कि रायबरेली इतनी बड़ी है, कोई ऐसा इनको लाल नहीं मिला, कोई ऐसा बेटा नहीं मिला जो रायबरेली का प्रतिनिधित्व करता और दिल्ली जाता। यहाँ तक कि अगर प्रतिनिधि बनाने की बात आती है तो वो भी दिल्ली से ला करके, बाहर से ला करके अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, रायबरेली का कोई प्रतिनिधि नहीं बनाते। इससे बड़ी चीज़ और हम लोगों के लिए क्या होगी, इसको अब रायबरेली की जनता समझ चुकी है और इसका हमने पहले भी कहा जवाब देने जा रही है। सवाल सपा से है, गठबंधन के साथ आप आ गए हैं, विधानसभा में अलग अलग आपने खेल खेला, अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं एक साथ आ गए। दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि गांधी परिवार को यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी उतारना चाहिए ना कि दिल्ली का। देखिए ये पार्टी का काम है किसको कहाँ से उतारता है और कहाँ से नहीं उतारता है। ये जितनी भी पार्टियाँ राष्ट्रीय नेतृत्व जिम्मेदार इनका है कि कैसे कहाँ से किसको उतारता है। ये रणनीति के तहत काम किया जाता है। ये हम गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता आ रहा है तो अब की बार भी लड़ेगा। तब तो कांग्रेस ने किया, आप लोग तो फर्जी चिल्ला रहे हैं दादा। नहीं नहीं ये गलत बात है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसा कार्यक्रम इस चौराहे पर कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं गांव देहात से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। सीधी स्पष्ट सी बात है कि जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित ही अभी बात आई कि पिछली बार मोदी जी को इस तरह कहा कि आपकी मोदी जी ने एक नारा दिया कि हमारा परिवार, निश्चित तौर से वो 140 करोड़ आबादी जो है वो अपना परिवार ही मानते हैं। और दूसरी चीज, देहात से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, निश्चित इस बात को अब की इस बार रायबरेली में कमल ही खिलेगा, कोई जुमला नहीं चलेगा। कुल सत्य बोल रहा हूँ, रायबरेली में कमल ही खिलेगा, कोई जुमला नहीं चलेगा। जैसे कि पिछली बार विधानसभा के चुनाव में माननीय प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करके पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया, उसकी स्थिति आप लोग समझ रहे हैं क्या हुई। इस बार खुद लड़ने आ रही है, इस बार खुद लड़ने आ रही तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय स्तर की नेता तो क्या हुआ, क्या विधानसभा में राष्ट्रीय स्तर की नेता नहीं थी? तब भी तो थी राष्ट्रीय स्तर की नेता। अरे गांधी परिवार हुआ क्या हाल, इससे क्या होता है? हाँ। भाई क्या वो गांधी परिवार नहीं था जब प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में एक मॉडल मान करके चुनाव लड़ी और लड़ाई? हाँ। तब स्थिति ये हो गई तो रायबरेली की जनता सब समझ चुकी है। हाँ। अब ये सब नहीं चलेगा। जातिवाद की राजनीति लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से है। हमें ये मानने में कोई गुरेज नहीं कि हमने अपना जनाधार खोया, लेकिन जहां तक रायबरेली का प्रश्न है, रायबरेली की सम्मानित जनता अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह से जानती है, विवेकी जनता है, पूर्व से इस तरह से चला आ रहा है यहाँ पे। यहाँ कांग्रेस को छोड़ करके एमपी के चुनाव में जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, तो कह रहे प्रियंका गांधी आई थी पिछली बार, एक उनको मॉडल के तौर पर यहाँ प्रेस किया गया था, हाई प्रोफाइल नेता थी, लेकिन उनका कोई जादू चला नहीं? जी नहीं, प्रियंका जी को किसी मॉडल के तौर पर नहीं पेश किया गया था। उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और उत्तर प्रदेश में हाफ पार्ट का उनको प्रभारी बनाया गया था। हमने प्रयोग किए, हम असफल रहे, लेकिन हम पुनः प्रयोग करेंगे और ये तय मान लीजिए। सोनिया गांधी यहाँ आती हैं, नामांकन करती हैं और उसके बाद प्रमाण पत्र लेने भी नहीं आती। और मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे 5 साल का कार्यकाल चला जाता है, वो एक बार भी जनता के बीच में नहीं आई। सपा और कांग्रेस डर गई है। हाँ। कांग्रेस और सपा नहीं डरी है। हाँ। डर ये लोग रहे हैं जो कि सपाइयों को ही तोड़ कर ला रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र चले जाइए आप। हाँ। अजीत पवार पहले जब उस एनसीपी में थे। हाँ। तब वो घोटालेबाज थे। हाँ। सपा भाजपा में आते हुए क्लीन स्वीप हो गए। वाशिंग मशीन बताइए क्या लग रहा है? देखिए जिस प्रकार ये लोग कह रहे हैं। हाँ। इस बार 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ। विकास पे बात की जाए, विकास पे कितना विकास हुआ भाई रायबरेली में? भाई रायबरेली अब सोनिया गांधी का विकास, रायबरेली में जितने एनएच आ रहा हूं रायबरेली में जितने एनएच बने, सोनिया जी जितने ओवर ब्रिज बने, सोनिया जी लेदर इंस्टीट्यूट और ये केंद्रीय विद्यालय रायबरेली में 4-3 केंद्रीय विद्यालय है। आप जान लीजिए काले बना सपा सरकार में, अभी ये लोग चालू नहीं कर पाए। बात विकास की करेंगे, एफडीआई आप 5 गए, हम 7 गिना गए, 7 गिना दिए भाई, 7 विकास का। मैं बात करता हूँ अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बहुत ही फख्र के साथ कहा कि रायबरेली को कांग्रेस ने एम्स दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 2014 का चुनाव आता है और जब अधिसूचना जारी होती है उसकी ठीक पूर्व संध्या पर बहुत जल्दी में आकर के एक पत्थर लगा दिया जाता है, क्या केवल पत्थर लगाने से सूचना की पूर्व संध्या पर एम्स हो जाता है? अगर उसके बाद आज जहां पे एम्स खड़ा है, और मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो जहां पर एक एम्स की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं प्रत्येक जनपद को एक मेडिकल कॉलेज या एम्स देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं उसी विकास की तो मैंने बात की कि उस एम्स को वहां तक पहुंचाने का काम किसने किया, कांग्रेस ने किया या भाजपा? 2014 से भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है? और मैं कहता हूं अगर यहां से सांसद तो कांग्रेस की है ना, मैं ये कह रहा हूं यहां पर कांग्रेस का
अगर सोनिया गांधी की बात करें तो सुपर प्राइम मिनिस्टर होती। अच्छा। विकास कांग्रेस ने जो किया है रायबरेली में वो आज तक कोई नहीं कर पाया। आज तक कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। सही में तो सांसद तो कांग्रेस की थी ना, सांसद कांग्रेस की है इसीलिए तो विकास हुआ है। तो क्या लग रहा है इस बार बैक होंगे कि नहीं? नहीं बैक श्योर होंगे गांधी। ये लोग नहरों में पानी नहीं दे पाते हैं। जब अभी पहले धान की जरूरत फसल में तब पानी नहीं दे पाए, अभी भगवान कृपा किए तो गेहूँ बचा है। नहीं लोग पानी नहीं दे पाते, बात करेंगे विकास की। यूरिया के कट्टे का वजन घटा के उसका दाम बढ़ाने के बाद में किसानों के हमदर्द और मसीहा बल्ले वाली सरकार क्या अपेक्षा करते हैं? कम से कम वो दौर तो नहीं बचा है ना कि यूरिया के लिए लाइन लगती थी, सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी। आज उपलब्ध है सिलेंडर, अगर एक फोन कॉल करने पे घर पे सिलेंडर आता है। पहले यह रहता था कि बचरा हो जाए। सुनिए, शिवगढ़ की पावन धरती पे आप खड़े हैं, इस सड़क को आप देखिए, ये केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय से बनवाई हुई यूपीए सेकंड के समय की सड़क है। उसके बाद में शिवगढ़ में केंद्रीय विद्यालय और आईटीआई यहाँ का एम्स निफ्ट फैशन टेक्नोलॉजी ये सब सोनिया जी की। बीजेपी ने क्या किया? खाना बीजेपी ने क्या किया यहाँ पर? क्या किया भाई? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता, ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। श्रीमान जी, जुमले और झूठ की हद होती है। बीजेपी ने क्या हद होती है? नथिंग नथिंग। बीजेपी ने केवल राशन कार्ड के झोले में स्टीकर फोटो लगा करके बांटे। अच्छा, लगवा दिया। बताइए दादा, कुछ कहने जाएंगे? बिल्कुल, एक चीज बताइए, अगर सोनिया जी ने यहाँ सब कुछ किया, ये स्वास्थ्य खराब होने का वादा करते, तो यहाँ से क्यों चली गई दूसरी जगह से? राज्यसभा क्यों गई? अगर राज्यसभा जाकर के काम कर सकती है, अगर राज्यसभा जाकर के काम कर सकती है तो रायबरेली जनपद से सांसद हो सकती थी। क्यों नहीं लड़ा चुनाव यहाँ से? उनको इस बात का पता है कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। सही बोल रहे हैं, पता है रिजल्ट आने वाला। ये गंभीर आरोप है जो कि श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर लगाया गया है। मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा, आप भी भली भांति परिचित है, परिचित प्रधान जी भी है, लेकिन वो कहना नहीं चाह रहे। इसलिए नहीं कहना चाह रहे, क्या दिक्कत है? दबाव किसका है? क्योंकि इनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है। अच्छा। सीधी सी बात है। हाँ। सोनिया जी गंभीर रूप से बीमार है। कौन सा दबाव झेल रहे हैं आप? कोई दबाव नहीं है, मैं स्वतंत्र मतदाता हूँ, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। सीधी सी बात है, ये हमारे मतदाता है कि नेता है? नहीं नहीं, मतदाता है, हम नेता नहीं है। हम पार्टी में है। पार्टी में बताइए। देखिए सोनिया, ये बता रहे हैं रायबरेली में गठबंधन बहुत मजबूत, तो फिर इनके विधायक लोग क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? भाई ये तो बताएं, जब इनके पार्टी इतनी मजबूत है रायबरेली से, तो विधायक क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? पदाधिकारी क्यों जा रहे हैं, ये बताएं ना। जवाब तो अखिलेश ने दिया था, क्या दिया? उसको पैकेज मिल गया, कुछ डर गए। अरे तो पैकेज डर डर क्यों गए? जो समाजवादी पार्टी में जा रहा है उनको क्या पैकेज मिल रहा है? क्या पैकेज मिल रहा है? क्या अगर जो समाजवादी में जा रहा है किसी अन्य पार्टी? मतलब अखिलेश जी बहुत बड़े सपा को, पवार को आपने मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया है, इससे बड़ा क्या हो सकता? अपने सीएम को आपने नहीं स्वीकारा और सीबीआई के डर से नेताओं को अपने कब्जे में कर रहे हो। मेरे का अभिप्राय यह है कि भारत को इससे पहले कोई नहीं जानता था, और 2014 से पहले हम लोग जंगलों में रहते थे और पेड़ पौधों की छाल लपेट करके जीवन व्यतीत करते थे, अगर आपकी माने तो। श्रीमान जी, भारत आज से नहीं, भारत का नाम दुनिया में आज से नहीं, मोदी जी तो 2014 से इनका उदय हुआ है। इससे पूर्व ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और अपना चलाया हुआ नोट जो ये नहीं 10 साल चला पाए, तो अब ये कहते हैं कि विदेशों में हमने टंका बजा दिया। अरे घंटा बज रहा है, घंटा कोई पूछने वाला नहीं है। यूपीए शासन काल में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री कहते थे कि देहाती औरत, और आज हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जब यहाँ का पायलट वहाँ पर रहता है तो सकुशल उसको भेजते हैं। ये वैश्विक पटल पर जो नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ है, मेरे पास साथ बनाई है, भी हमारे भाजपा के मित्रों से बात करेंगे तो वो सिवाय पाकिस्तान के अपना कंपेयर किसी से कर ही नहीं पाते। अरे हम लोग जर्मनी, फ्रांस, रूस करना चाहता हूँ मैं बात का आपकी। अभी अभी यूक्रेन यूक्रेन और रशिया जाते हैं, अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा, बिना निबंधन पहले भी पहला प्रधानमंत्री है और इनकी विदेश नीति और गठबंधन कितने और जीत रहे हैं आप यहाँ पर? कम से कम 4 लाख। आप बताइए, 5 लाख से ऊपर जाएगी समाजवादी? 1 लाख बढ़ गया, आप बताइए। बहुत सारी जो बातें अभी तक हुई उसमें ये निश्चित है कि जो भी यहाँ कांग्रेस से प्रत्याशी आएगा सारी वोटों से 4 लाख से ज्यादा मतों से 4 लाख प्लस। आप बताइए क्या लग रहा है? निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़ी जीत 4 लाख करने जा रहा है। 4 लाख पार, 4 लाख पार है। जिसको कॉन्फिडेंस रहता है ना, प्रत्याशी भागता नहीं है। बिल्कुल सही। अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस था तो ये क्यों छोड़? अरे स्वास्थ्य गड़बड़ था भाई, कहाँ गड़बड़ था? हमें आप ये बताइए, सारी महागठबंधन की जो बैठकें होती है उसमें जागती है, इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका पूरा, कैसे खराब है? चार नेता संन्यास ले चुके हैं भाई, वो भी तो बताओ। नहीं, वो ये
यही की चीज, ये चीज बताइए कि उनका गठबंधन के पदाधिकारी क्यों चले जा रहे, विधायक क्यों चले जा रहे, मेन विधायक जबरदस्त क्यों सब मेन विधायक ऊंचा हार चला गया कांग्रेस 4 लाख से 2.5 लाख से। देखिए हम 2.5 लाख और 3 लाख की कोई बात नहीं करते, पूरी भाजपा मन बना चुकी है, लोग मन बना चुके हैं, रायबरेली में इस बार कमल 100% खिलेगा। कड़ वाला लफड़ा फंसा है, ये पार्टी तय करेगी, पार्टी जिसे भी लाएगी। हम लोग सिर्फ मोदी जी को ध्यान में रख के, कमल का फूल ध्यान में रख के, भाजपा के मिलेगा ये समझ नहीं आ रहा हमारे। मैं पूछना चाहता हूँ रायबरेली, रायबरेली के बेटे को चुनाव रायबरेली से कब लड़ाएगी, वो दिन कब आएगा? रायबरेली के नेता, रायबरेली के हुक्मरान कांग्रेस के बताएं कि वो दिन कब आएगा आजादी के बाद से जब रायबरेली के लोग रायबरेली का प्रत्याशी पार्लियामेंट में। रायबरेली का आवाम गांधी परिवार को अपने बीच का हिस्सा मानता है और रायबरेली से बाहर मेरा टाइम स्लॉट काटिएगा मत। और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी रायबरेली की बेटी है, हमारी बहन है और आने वाले समय में वो संसद में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए बताइए, रायबरेली, रायबरेली नेहरू गांधी खानदान की धरती नहीं है, रायबरेली बीरा पासी, मलिक मोहम्मद जायसी, पंडित अमोल शर्मा और राणा बेनी माधव की धरती है। ये रायबरेली की जनता पहचान चुकी है, अब गुमराहों में आने वाली नहीं। ठीक है, फिलहाल डेट को इस डिबेट को विराम लगाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए भाजपा के और कांग्रेस के और सपा के लोग थे, गठबंधन की बात होता है कि भैया ने बता दिया है ब्लॉक अध्यक्ष ने कि यहाँ पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने आ रही है अपनी माँ की जगह, लेकिन अब देखने वाली अभी तक बीजेपी के कहना है कि इस बार 2.5 लाख 80 बीजेपी करेगी 2.5 लाख और कांग्रेस कह रही है 4 लाख। देखते हैं भाई साहब कौन किसके पार होता है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल आपको रायबरेली के दूसरे छोर पर ले चलेंगे और वहां की जनता से रूबरू कराते हैं।